स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। मधेपुरा पुलिस को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है, जहां एक साथ दो बड़े कांड को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस कांड में शामिल अपराधियों को हथियार सहित धर दबोचा। इस बाबत जानकारी देते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय नारायण यादव ने बताया कि बीते दिनों सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्धा हटिया के पास कवियाही निवासी ऑटो चालक प्रमोद यादव उर्फ कोयली यादव की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष सिंहेश्वर शंकरपुर तथा टेक्निकल सेल के सदस्यों को शामिल किया गया था। इस टीम के द्वारा इस घटना को सफलतापूर्वक उद्भेदन करते हुए इसमें शामिल एक मुख्य अभियुक्त को एक देसी कट्टा एवं चार गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि घटना अवैध संबंध के कारण करवाई गई है। वहीं शंकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लाही गांव के पास बाइक लूटकांड में अपनी संलिप्तता अभियुक्तों द्वारा स्वीकार की गई है तथा इनकी निशानदेही पर गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। वहीं दूसरी ओर मुरलीगंज थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान वाहन चेकिंग के क्रम में एक अवैध देसी पिस्टल मैगजीन सहित तीन गोली एवं एक मोटरसाइकिल तथा दो मोबाइल फोन एवं एक डाइगर के साथ दो अपराधी रोहित कुमार और आशुतोष आनंद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन अपराध कर्मियों से पूछताछ की जा रही है तथा इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। दिनांक 24/4/22 को सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिद्धा हटिया के पास एक ऑटो चालक जो कि स्वयं उसका मालिक भी था उसको गोली मार दी गई थी और इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। यह घटना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के निर्देशानुसार एक टीम का इसमें गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष शंकरपुर और थानाध्यक्ष सिंहेश्वर भी शामिल थे और टेक्निकल सेल के सदस्य भी। इस टीम ने अच्छा काम किया और इसमें शामिल एक मुख्य अभियुक्त को वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसके पास से एक हथियार और चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल भी बरामद हुआ। इस संदर्भ में हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं जो कि वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित है, जिसमें यह ज्ञात हुआ है कि इस हत्याकांड में पैसे का भी लेन देन हुआ था और यह हत्याकांड अवैध संबंध के कारण कारित करवाई गई है। इसमें कुल 5 अपराधी शामिल हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बहुत जल्द ही शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी प्रकार चौथे महीने में ही शंकरपुर में एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी और वो त्रिवेणीगंज के निवासी थे, तो इसी गैंग के सदस्य के द्वारा उस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें इस अपराधी के निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया। अपराध के विरुद्ध हमारा लगातार अभियान जारी है और इसी क्रम में मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गश्ती और चेकिंग के क्रम में एक दो युवकों को गिरफ्तार किया गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल, 3 कारतूस, 1 डायगर और 2 मोबाइल बरामद हुआ और इन दोनों का भी आपराधिक इतिहास है और अन्य जगह इनका क्या आपराधिक इतिहास है हम लोग ज्ञात कर रहे हैं और सभी को विधिवत सुसंगत धारा में केस करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।